कहां पे पाकिस्तानी टीम ने गलतियां की और कहां पे पाकिस्तान को बेहतरी करने की जरूरत है? जो आपने बात की परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस तो देखें एशिया कप से, आपने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी एशिया कप से पहले, मैंने उसमें ये कहा था कि ये छोटी छोटी मछली, इनसे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि ये सारे डोमेस्टिक मिलजुल के स्कोर कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं, इनको बॉल नजर नहीं आता। जो भी आपने विकेट कीपर 13 साल से खिलाए हैं, वो एक विकेट कीपर आपने बताया मुझे कोई बनाया हो, ये नीचे से ये खुद मिलजुल के सारा स्कोर करवा लेते हैं डोमेस्टिक में, उसमें ये सारा बेड़ा गर्क करने उन्होंने क्रिकेट कर करके रखती है। डोमेस्टिक को चलाने वाले जो बिठाए हुए थे उनको 2 दफा निकालते हैं, फिर वो वापिस आ जाते हैं वही लोग पीछे से पासिंग करवा के। तो ये तो हाल है हमारे डोमेस्टिक का। और तो जो डोमेस्टिक में जो हमारे मिलजुल के स्कोर करते हैं ऊपर जाते हैं, जब इनको सीम होता है या स्विंग होता है, इनको बहुत समझ ही नहीं आती। तो आप मेरे से सच्ची सुनेंगे तो फिर मैं सच्ची सुनाऊंगा आपको कि जी ये तो सारा बेड़ा गर्क इन्होंने क्रिकेट का करके रख दिया। और आप देखें ऊपर जाके, ये चाहे वो सरफराज है, वो चाहे वो आजम खान है या रिजवान है, ये इधर मिलजुल के सारे स्कोर कर लेते हैं कि जी वो उसका बेटा उससे स्कोर करवा लो, उससे उसका जानने वाला उससे स्कोर करवा लो, उसको टीम में लाना है। ऊपर जाके जब स्विमिंग ट्रैक से इनको स्कोर करना पड़ता है, इनसे परफॉर्मेंस ही नहीं होती। की और हमने ये देखा पहले, जिस तरह बाबर आजम कप्तान थे और ये कहा जाता था कि यारियां दोस्ती हैं टीम में, एक दूसरे के जिस तरह रिश्तेदार हैं, किसी का बांजा खेल रहा है, किसी का भतीजा खेल रहा है, किसी का दामाद खेल रहा है, तो नो डाउट ये चीजें तो हमें दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड में भी ये चीजें नजर आती है, इसी तरह टीम में भी ये कारकर्दगी इफेक्ट होती है और पाकिस्तान की जो है क्रिकेट इफेक्ट होती है। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे जाके ये सारी चीजें जो है बेहतर करने की जरूरत है और कौन जो है वो स्टैंड लेगा? देखिए अभी तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो हाई परफॉर्मेंस का जो कोच हमारा था, उसने तो रिजाइन कर दिया। इंशाल्लाह बाकियों से भी हम रिजाइन जरूर लेंगे। और देखें टीम की शिकस्त होती है तो हम सब की शिकस्त होती है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे किसी की कोई चलाने वाले क्रिकेट के लोग हैं, सब कुछ जो है उसको शिकस्त का सामना और उसको फेस करना पड़ता है। चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, मीडिया वाले हमसे सवाल ना होते हैं कि भाई ये क्या क्यों परफॉर्मेंस इतनी कर दी है। तो आप 13 साल पहले अगर आपने स्टैंड लिया होता मेरी बातों पे, तो आपको आज ये दिन तो ना देखने पड़ते। हमने 25 से 30 प्लेयर अपने जो है वो मैच फिक्सिंग की वजह से हमने गवाए हैं। उस वक्त मेरी अगर बात पे संजीदगी से अमल किया जाता तो आज हमारी टीम इस तरह तो ना होती कि आप बिल्कुल ही छोटे छोटे लड़कों से आप जा रहे हैं टीम के अंदर और वो उतना प्रेशर ही नहीं ले पाते जो एक एक्सपीरियंस बंदे का होता है। तो उसमें ये है कि देखें आप जो भी लड़का जा रहा है डोमेस्टिक से परफॉर्म करके इंटरनेशनल में, तो उससे कोई परफॉर्मेंस ऊपर जाके नहीं होती। 25-30 करते हैं, 10-15 करते हैं, आउट हो जा रहे हैं। तो वो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म्स के इनके गोल्स होते हैं कि जो प्लेयर भी है चाहे वो छोटे है चाहे वो हमारे डोमेस्टिक चलाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ इन्होंने अपनी तनख्वाहें बना रहे हैं, ये उधर बैठे हुए हैं आराम से मजे कर रहे हैं, अकेडमियों में भी मजे कर रहे हैं, ऊपर भी मजे, डोमेस्टिक में भी मजे कर रहे हैं जो चलाने वाले हैं। क्वेश्चन रेज किया 13 साल पहले, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने स्टैंड लिया और सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए और एक आवाज बुलंद की, लेकिन उसके बाद हमने देखा जो कुछ हुआ, मतलब आपके साथ जो कुछ हुआ, आप क्रिकेट से ही समय कोसों दूर हो गए और उसके बाद आपके क्रिकेट की वापसी के दरवाजे भी बंद हो गए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह अगर कोई और आपके बाद भी कोई अगर स्टैंड लेता है तो वो उसके साथ भी इसी तरह का सलूक होगा, क्रिकेट कैसे बेहतर होगी, ये स्टैंड लेने से किस तरह से तब्दीली आ सकती है? नहीं, तो मेरे लिए कोई दरवाजे नहीं बंद हुआ। मैं अभी भी अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस करता हूँ पीसीबी के साथ। आपने अपना चलता करियर एक कुर्बान किया, ये तो आप मान ले। जी कुर्बान तो किया, स्टैंड लिया ना एक बात का, उसका फिर रद्द अमल तो आता है आपके सामने ना। जो भी आप पाकिस्तान में या एशिया में स्टैंड लेता है किसी बात को, उसको फेस तो करना पड़ता था उसको, क्योंकि हमारा सिस्टम ही पूरा जो है करप्ट सिस्टम हमारा है ना। तो उसमें जो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नीचे से डोमेस्टिक के जो चलाने वाले लोग हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है और इन्फॉर्मेशन आपके पास ज्यादा आती है कि भाई किस तरह हमारे ये जो डोमेस्टिक के लोग हैं कैसे परफॉर्मेंस को देखो, कैसे मैं इस चीज का गवाहों को मिलजुल के स्कोर किए जाते हैं डोमेस्टिक में भी, ठीक है जी, वो इसको टीम के अंदर लाना है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ वो लोग कौन कौन है और किस तरह परफॉर्मेंसेस कराई जाती हैं, और उसके बाद फिर वो टीम में लाया जाता है और टीम में जब जाके खेलना पड़ता है सीमेंट ट्रैक पे या जहाँ थोड़ा मूव करता है उधर इनसे एक बॉल भी टच नहीं होता। आप देख लें उसकी सबसे बड़ी मिसाल सरफराज अहमद है, ठीक है,
तो आप आजम खान को भी साथ ही मिला लें सरफराज के। जी सबको मिला लें, सारों को मिला लें, पूरी टीम को मिलाएं, पूरी टीम को मिलाएं, जो टीम अभी जो टीम में जाने की कोशिश कर रहे हैं।